నిర్మల్ జిల్లా బైంసా పట్టణంలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన బియ్యంని పట్టుకున్నారు. ఒకరిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఏఎస్పీ కిరణ్ కారి తెలిపారు. आज बैंसा शहर में सीसीएस टीम को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे इलीगल पीडीएस राइट स्टोर किया गया है और उसकी स्मगलिंग हो रही है. इसके अनुसार सीसीएस टीम इंस्पेक्टर रमेश बाबू और उनकी टीम के साथ ऑटोनगर के एक शॉप में एक मुलगी में रेड किया गया. उस रेड के अंदर हमें 110 क्विंटल पीडीएस राइस हमें मिला. इसकी टोटल वैल्यू जो है 1,60,000 है और इसके अंदर हमने एफआईआर भी रजिस्टर किया और उसको जल्द से जल्द हम रिमांड भी कर रहे हैं. इसके आगे भैंसा पुलिस की तरफ से और निर्मल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमेशा ही गुटखा और मटका और साथ में पीडीएस राइस जो भी इलीगल बिजनेसेस है उन पर पुलिस की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और जो भी ऐसी चीज़ें करता है उनके खिलाफ पुलिस से स्ट्रांग एक्शन लिया जाएगा. मैं भी भैंसा के सभी नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि आपके पास भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो पुलिस को बिल्कुल बताएं. धन्यवाद.